ओम शांति। 9 अप्रैल 2022। आज के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न में बाबा बोले, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, बाप से सच्ची प्रीत है तो उन्हें ही याद करेंगे। बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत बजा है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं, शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं, इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। यह फलाना स्वामी है सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं, उन्होंने चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भाव अथवा आत्म अभिमानी भाव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधेरे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर ना चले वह कपूत ठहरा, तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलीती को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं, अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न दो, मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचे है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में देवीय औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है, जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। इन बातों को नया कोई समझ न सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर शादी आते हैं तो अलाउ किया जाता है,
कहां तीर लग जाए, बिचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरी कुल का है वह आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है वह नहीं, आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताएं तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अप्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाह ही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाऊंगा। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम बाला है। फरोवर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है, अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहे। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहां याद करो जहां जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते नहीं है, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती हैं, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हप कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूत पलीती के हाथ का तुम खान भी नहीं सकते हो, परंतु बच्चों का पाप से इतना लाभ तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भी लोग कहाँ से खाते हैं? आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं। सब पांव पड़ते रहते हैं, जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत ही जी है। यह दुनिया ही ऐसी है, बच्चों को ख्याल करना चाहिए। यह दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है ना, वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार पर जा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, सौदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम एक आंख में सुख धाम रखना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, हर एक पार्ट धारी के पार्ट को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करना है। मनसा वाचा करना किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन
श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से संभाल करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसॉफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते हो, किसी की गलती अर्थात बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की गिलानी करते हो तो कल भय आपकी दुगनी गिलानी करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं, इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आगे हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मुख्य हेडिंग है, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है, हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता सुख और शांति है। दूसरी है विकारी कलियुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्मा अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भूल रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अब अगली पॉइंट है भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, जो गीता के भगवान अपना वचन निभाओ निभाने आ जाओ, अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई योगी योगी आता हूँ, सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी नहीं होती, धर्म गिलानी होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर चार युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो
आता ही नहीं है, बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की? अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ, तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।